बर्थडे को हमको तो डिस्कस करना है। लेकिन वो सिर्फ फोन पकड़ रहा था तो मैं वो मारना नहीं चाहता था। वो शैडो हेट मी। ओके, और अगर वो ट्राई मतलब करता भी ना तो वो तुमको सॉरी बोलता, अगर वो भी बोले से गलती से मारी उसने भी अपनी मिस्टेक मतलब रियलाइज करी है, पर तुमको भी इससे सॉरी मांगना चाहिए। तुम भी तुमने लड़ाई शुरू, अगर उसने जानबूझ के किया तो ऑब्वियसली उसको पता होता कि हाँ मैंने जानबूझ के किया है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स आ गए थे, उसने की थी, फिर उसने अपनी हक गवा दी। यार ऐसा होता है, वो मुझे उसने अपने धक्का मारा था और मैंने फाइट शुरू नहीं की थी, लेकिन उसे गलती से हुआ था। तुम ये नहीं बोल सकती कि तुम्हें नहीं पता कि उसने जानबूझ के मारा था या गलती से मारा था। मुझे पता है क्योंकि तो उसने मुझे जानबूझ के ही मारा था। देखो वो तुम्हारा फ्रेंड है, वो तुमको क्यों मारेगा? वो तुम्हारा इतना अच्छा फ्रेंड है। देखो उसने और अगर मारा था उसके अगर देखो तो मैं ऐसे लड़ाई करूंगी ना तो कुछ नहीं हो रहा। अब हम जाते हैं क्योंकि बहुत रात भी हो रही है। चलो सोना भी है, खाना भी। बाय मुरली। बाय मुरली। मुरली पता है सोसाइटी में पता नहीं कितनी घटा है। हाँ उससे याद आया, तुमने मंजिल के साथ लड़ाई क्यों करी? उस गलती से उसको धक्का लग गया, मैंने तो उसको सॉरी बोल दिया है ना। लेकिन तुम्हें क्लियरली बोलना चाहिए था। हाँ। उसको ऐसा लगा कि तुमने उसको सॉरी बोला ही नहीं है। वो गिर रही थी और उसने बस अपने वो मतलब वो बस चाहिए रही थी तभी तुमने सॉरी बोला। उसने अच्छे से सुना भी नहीं होगा कि तुमने उसको और उसको लग रहा है कि तुमने जान पूछ के मारा है। हाँ। तो पहले उसको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी पहले तुमको बोलना चाहिए उसके बाद। लेकिन ये हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें ही बोलना चाहिए, वो भी बोलेगी तुम्हें, लेकिन तुमको एक साथ बोलना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स करो, अगर फ्रेंड्स हो तो फ्रेंड्स बनना भी चाहिए। और कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं।